और अब खबर सचिन और सीमा की कर ली जाए बात। ये जोड़ी जो है लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई है और इस शोहरत में एक और नया पहलू जुड़ चुका है। अब खबर ये है कि सीमा हैदर को बॉलीवुड की एक फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, देखिए प्यार और पबजी के फेर में सरहद लांघकर हिंदुस्तान आई सीमा हैदर ने अपने प्रेमी सचिन का साथ तो पा लिया, लेकिन अब इस कपल का ज्यादातर वक्त पुलिस और जांच एजेंसियों के सवालों का सामना करने में बीत रहा है। सचिन सीमा के घर वालों का कहना है कि काम धंधे के लिए बाहर न जा पाने के कारण परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष और फिल्म निर्माता अमित जानी ने सचिन सीमा के परिवार की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। हम लोगों ने डिसाइड किया है, हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है जानी फायरफॉक्स, जिससे हम फिल्म बना रहे हैं टेलर बटर स्टोरी। उदयपुर में जो कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई थी उस पर हमारी मूवी आ रही है, टीजर भी आ गया है, हमारे एल्बम सॉन्ग भी आते हैं सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हम उसे काम दे सकते हैं और उसके बदले जो उसका मेहनताना होगा वो उसको हम दे देंगे। तो इस तरह से बेरोजगारी उनकी दूर होगी, मदद का हाथ हमने बढ़ाया है। अमित जानी का प्रोडक्शन हाउस कन्हैयालाल हत्याकांड से प्रेरित कहानी पर एक फिल्म और टेलर मर्डर स्टोरी बना रहा है जो कि नवंबर में रिलीज हो सकती है। अमित जानी ने सीमा हैदर को इसी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है, हालांकि अभी तक सीमा हैदर ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। बेशक सोशल मीडिया पर ये प्रेमी जोड़ा छाया हुआ है, विवादों का साया इतना घना है कि सचिन सीमा का इश्कनामा किसी अबूझ पहेली से कम नहीं। सीमा का लहजा, जज्बा, पहनावा, यहाँ तक कि इरादा भी सब कुछ सवालों के घेरे में है। लेकिन इस सब के बीच सचिन सीमा की जोड़ी लगातार सुर्खियां बटोर रही है और अब फिल्म में काम करने के इस ऑफर के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि अब ये जोड़ी किसी परिचय की मोहताज नहीं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।